हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जतिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द अवधूत आनंद। कुछ दिनों पहले मैंने मंत्र के कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था और आज का वीडियो इसी की कंटिन्यूएशन में है कि 108 का क्या महत्व है, क्यों कहा जाता है कि माला करते वक्त हमें 108 बार मंत्र जप करना चाहिए, या अगर ईश्वर के नाम का स्मरण भी कर रहे हैं हम तो माला में 108 मोती ही क्यों होते हैं, 108 बार ही नाम जपने का महत्व क्यों बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत से कारण हैं इसके पीछे, बहुत सी किंवदंतियां हैं, अलग अलग संतों के अलग अलग मत हैं, किंतु मेरी आत्मचेतना के हिसाब से तीन ऐसे कारण हैं जो मैंने फील किए हैं कि बिल्कुल सही हैं और कहीं ना कहीं मैं उनसे अपना संबंध स्थापित कर पाया हूं। 108 में एक या वन का मतलब होता है वननेस, यानी एकत्व का भाव। जीरो का मतलब होता है शून्यता, यानी एम्प्टीनेस और कंप्लीट वॉइडनेस। और आठ, जिसको अगर हम पलटा के देखें तो उसका अर्थ होता है इन्फिनिटी। और अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो आठ, जो कि दो गोलों से मिलकर बनता है, तो एक गोले को लौकिक और दूसरे गोले को परलौकिक माना जाता है। इस प्रकार न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो नंबर एट is considered as the complete universe which has both the dimensions which is laukik and paralaukik। और इस concept के हिसाब से 108 का मतलब है कि जब कभी भी हम किसी भी मंत्र का जप या ईश्वर के नाम का स्मरण या किसी भी श्लोक, चालीसा, पाठ या और भी किसी प्रकार का साउंड सिलेबल जो हमें एनर्जाइज करता है, उसको जब हम 108 बार जप लेते हैं तो हमारी वननेस उस शून्य के साथ हो जाती है जो हमें इनफाइनाइट बना देता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट द वननेस ऑफ वन कनेक्ट्स अस विद द वॉइड दैट इज जीरो एंड देन इट टेक्स अस टू द इन्फिनिटी एंड वी बिकम इनफाइनाइट एंड दैट्स व्हाट 108 डिनोट्स। इसके अलावा 108 में एक का मतलब अद्वैत भाव भी होता है। और आज मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको अद्वैत भाव के बारे में कुछ भी जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं फिर कभी इस कंसेप्ट पे एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही विशाल कंसेप्ट है और मैं चाहूँगा कि इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँ, इसलिए मैं अद्वैत भाव पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। दूसरा रीज़न, 108 में ज़ीरो यानी कि शून्य और आठ यानी इन्फिनिटी, इन दोनों को संसार के दो एक्सट्रीम पॉइंट पर रखा गया है। एक का अर्थ है नथिंगनेस, जीरो मीन्स नथिंग, वॉइड, एम्प्टीनेस, एंड इन्फिनिटी मीन्स एवरीथिंग। और अगर हम 108 को देखें तो इसका यह भी एक मतलब होता है कि व्हेन जीरो बिकम्स इनफाइनाइट और व्हेन इनफाइनाइट बिकम्स जीरो दे गेट वन, या दूसरे मायनों में इसका मतलब यह भी होता है दैट नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग, यानी एम्प्टीनेस और इंफिनिटी एक ही है। जिस शक्ति को, जिस ब्रह्म को हम परम शून्य मान के भी आराधते हैं और किसी दूसरे पंथ में या किसी दूसरे संप्रदाय में या किसी दूसरे धर्म में अगर उसे इनफाइनाइट मान के भी पूजा जा रहा है तो वह दोनों शक्ति एक ही है, जिसे हम ईश्वर या पराशक्ति या ब्रह्म तत्व कहते हैं। आखिरी रीजन जो है वो भक्ति मार्गियों के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होता है और कहीं ना कहीं मैंने भी उसे महसूस किया है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में माला जप में 108 मोती होने का कारण यह है कि प्रमुखता ज्यादातर संप्रदाय या ज्यादातर जो हिंदू सेक्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि 108 मन के 108 गोपियों का स्वरूप है और बीच में जो बड़ा मोती होता है जिसको सुमेरु या मेरु भी कहते हैं वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण के महारास में श्री कृष्ण भगवान 108 गोपियों या 108 महारानियों के बीच में उनके मध्य में रह के महारास रचाते हैं और उनके साथ क्रीड़ा करते हैं और यही 108 इन मोतियों से डिपिक्ट होता है। और यही कारण है कि ऐसा भी माना जाता है कि एक बार 108 मनकों का जप हो जाने के बाद हमें सुमेरु को
या उस बड़े मनके को पार नहीं करना चाहिए। हम माला को पलट लेते हैं और बिकॉज भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है और वहाँ पे कृष्ण के परे जाना संभव नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो डिस्कशन आज हम आपके साथ हो रहा है वो और भी लोगों तक पहुँचे। एंड इफ़ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस टीम द अवधूत आनंद, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट व्हेनेवर वी पब्लिश अ न्यू वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम यूट्यूब अबाउट इट। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू सून, थैंक यू।